प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 पर राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश में संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस। बांसवाड़ा के रास्ते राहुल गांधी की यात्रा, वागड़ में करेगी प्रवेश, कांग्रेस लगा रही है ताकत, मालविया के भाजपा में जाने से बिगड़े हुए हैं समीकरण, आला नेताओं ने डाला डेरा। गांजा मांगने पर मना किया तो मादड़ी में चाकू से गोद डाला युवक को, हत्यारों की तलाश में जुटी प्रतापनगर पुलिस। सेवाश्रम इलाके में एसी कंडीशन वक्स में फिर हुई चोरी की वारदात, पुलिस पर आरोप, रिपोर्ट लेने में कर रही टालम टोल, पहले भी हो चुकी है वारदातें, एसपी को की शिकायत। और सुखेर इलाके में बाइक चोरी करने वाला पुलिस गिरफ्त में, 6 चोरी की बाइक जब्त, आरोपी से पूछताछ जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को बांसवाड़ा संभाग में पहुंचेगी, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली है। यात्रा को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा और टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उदयपुर पहुंच चुके हैं, यहां से सड़क के रास्ते बांसवाड़ा पहुंचे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि वागड़ में जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है वहां के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया उनकी यात्रा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और पार्टी ने उन्हें बांसवाड़ा से लोकसभा का प्रत्याशी भी बना दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बांसवाड़ा संभाग में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी पूरी ताकत से जुटी हुई है। इसकी वजह यह है कि एक तो लोकसभा चुनाव सर पर है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में एंट्री हुई है, राहुल गांधी को मजबूत करना है, लिहाजा राहुल गांधी की इस यात्रा में ताकत पूरी तरीके से जुटाई गई है। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से शुद्ध होकर वागड़ के बड़े आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, सशर्त वो भाजपा में गए, भाजपा ने उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया है और अब वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस के कई नेता जेल में होंगे और वो सही जगह पर आ गए, कांग्रेस में उनका दम घुटने लग गया था। वागड़ से एक बड़े आदिवासी कांग्रेस नेता के भाजपा में चले जाने से कांग्रेस वागड़ के अंदर अपनी ताकत दिखाने की प्रयास कर रही है, लिहाजा राहुल गांधी की इस यात्रा में भी कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी कि आम कांग्रेसी कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटे और उन्हें मजबूती दी जाए। साथ ही राहुल गांधी को भी ये संदेश दिया जाए कि किसी एक नेता के चले जाने से कार्यकर्ताओं की जमीन खाली नहीं हुई है, वहां पर अभी भी संभावनाएं कम नहीं है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School. One North Ayer, University Road, Udaipur. उदयपुर शहर के मादड़ इलाके में बीती रात को दो बाइक सवारों में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। ये मामला प्रतापनगर थाना इलाके का है। पुलिस के मुताबिक घटना देर रात को हुई है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाला संतोष अपने दोस्त के साथ एक रिश्तेदार के घर से बर्थडे पार्टी में एक साथी के साथ घर पर जा रहा था। इस दौरान शहर के मादड़ी क्षेत्र में उसे दो युवकों ने रोका और उसे गांजा मांगा और उसने मना करते हुए आगे बढ़ गया। उसी वक्त दोनों बाइक सवार युवक बाइक लेकर संतोष के पीछे आए और बाइक को आगे लगा दिया। इसके साथ संतोष पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। प्रतापनगर थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि घटना मंगलवार रात 11 से 11:30 बजे के बीच हुई। मादरी इंडस्ट्रियल एरिया के रोड नंबर 12 की यह घटना है। घटना के तुरंत बाद ही मृतक का साथी मौके से अपनी जान बचाकर निकला और पुलिस को घटना की सूचना दी। इस पर प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। थानाधिकारी योगी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही फुटेज देखे जा रहे हैं और उसी आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी में लग गई है। निसंतानता होने की समस्या में आप और आपकी पत्नी दोनों नीलकंठ IVF फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लें। अपने परिवार की खुशियों के लिए
बैड मैन ना बनिए, गुड मैन बनिए। बैड मैन तो मैं हूं। नीलकंठ IVF। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में शैवाश्रम के पास स्थित जेठा एयर कंडीशन वर्क्स पर मंगलवार की रात को चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला गया। एयर कंडीशन में लगने वाले कीमती सामान को चोर चुरा कर ले गए। इस घटना का पता सुबह चला जब दुकानदार वर्कशॉप पर पहुंचा। चोरी के वारदात का पता लगने के बाद भोपालपुरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने के साथ ही रिपोर्ट भी पुलिस को दी गई है। प्रकरण दर्ज करने के बजाय टालमटोल करते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया है। इससे पहले भी यहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उस दौरान भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदार ने अब जिला पुलिस अधीक्षक के यहां पर पेश होकर चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी है। मैनेजर ने SP से मांग की है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा हो ताकि चोरों से चोरी का माल बरामद हो सके और शहर के अंदर बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लग सके। सबसे पहले चोरी यहाँ पे चुंडावत साहब की हुई, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे हुई और तीनों बार चोरी हुई। तीनों का पैटर्न सेम है, चोर पीछे से आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, पत्रे तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और माल लेके जा रहे हैं। तीनों बार का विवरण पुलिस में दिया हमने, पर वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब, कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। वहाँ का थाने का व्यवहार इतना खराब होता है, जब FIR लिखाने जाओ तो इतनी बदतमीजी से बात की जाती है। वहाँ बिठा देते हैं हमारे को, FIR का प्रिंटआउट नहीं देते हैं, बोलते आप कागज़ लेकर आओगे तो आपको FIR का प्रिंटआउट मिलेगा, और जब वापस फ़ोन करो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता थाने से। पुलिस रात्रि गश्त का तो हमको आइडिया नहीं था। पुलिस हमसे पूछी रात को 2 बजे आप कहाँ थे, आप इसका विवरण करें। पुलिस हमसे ये पूछती है, हम घर पे थे सर, हमें बता दो उनको। सर तीन दुकानों में समझ लीकर 10 लाख के ऊपर माल चला गया, और ये जो मेरे हाथ में भी लेटर है, तीसरी मैं कंप्लेंट लिखाने गया, मैंने SP को परिवाद दिया, फिर मुझे SP ने बोला आप थाने जाएंगे, आपको थाने से FIR कॉपी मिलेगी। आज उस बात को 3 महीने हो गए हैं। बड़े आराम से दो तीन चार घंटे अंदर बैठ के एक एक सामान ले जाते हैं और सारा कट्टे भर भर के डब्बे यहीं खाली करके चले जाते हैं। नल, मेरे नल वगैरह बहुत सारे नल वॉल्स वगैरह करीब 2-2.5 लाख रुपए का सामान ले जा चुके हैं ये लोग आज दिन तक। मेरे पास टोटल 3 बार चोरी हो गई है। मैंने हर बार एप्लीकेशन दी है, इस बार शायद FIR आज नोट कर रहे हैं वो। अभी तक FIR पहले दोनों मामलों में FIR लॉन्च नहीं हुई मेरे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 Pratap Chiki Badi, Amba Mata Scheme, Udaipur. Udaipur ke Sukir Thana Police ne lagatar ho rahi dupaiya vahan chori ki vardaton ko lekar gambhirta se karvai ki to ek bike chor pakad mein aa gaya hai. Ye mool to Kapasan ka rehne wala hai jisne Udaipur aur Chittor mein alag alag jagah se 6 motorcycle chori ki vardaten kabuli hai. Police ne isse 6 motorcycle जब्त की है, साथ ही और भी वारदातों के बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। सुखेर थाने पर 5 मार्च को चंद्रप्रकाश सेन, जो कोठारियों का मोला आयड भोपालपुरा का रहने वाला है, उसने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो सैलून में काम करता है। 4 मार्च को तकरीबन 12:45 बजे के पास मॉल के बाहर उसकी स्कूटी खड़ी थी और रोजाना वो वहां पर खड़ी करके निकलता है और रात को 8:30 बजे वहां से स्कूटी लेकर घर के लिए पहुंचता है, लेकिन अज्ञात व्यक्ति ने उसे चोरी कर लिया है। इस पर पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया और इस मामले में सुखेर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल भारत सिंह, भंवरलाल, अचलाराम, सुमेर, कान सिंह समेत पूरी टीम ने बाइक चोरी करने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू की। मुखबिर तंत्रों और आपराधिक आसूचना को संकलन करते हुए तकनीकी आधार पर पुलिस को सुराग लगा और इस मामले में गुलाब नबी पिता लियाकत अली, जिसकी उम्र 31 साल है और ये नंदवाना कॉलोनी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है और हाल ही में ये मावली गांव के मस्जिद के पास रहता है, इसे डिटेन किया गया। पूछताछ की गई तो इसने राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर शहर के अलग अलग स्थानों से 6 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस की टीम ने उसकी निशानदेही से चोरी की 6 मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि ये अलग अलग इलाकों से वाहन चुराता है और सुखेर थाना क्षेत्र में ही सुनसान इलाकों में छुपा देता है और चोरी की मोटरसाइकिलें इकट्ठी कर फिर औने पौने दाम पर ग्राहक की व्यवस्था करते हुए उन्हें बेच देता है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसे और भी वारदातें खुल सकती है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख, तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044।
राजस्थान के 12 जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम लकड़ाई की शिक्षिका को बहाल करने की मांग को लेकर दलित समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्री ने दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करते हुए इस शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है, जबकि उसने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करने की बात की थी। आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, वहां पर किन्हीं महापुरुषों की और सरस्वती की प्रतिमा को लेकर भी उस वीडियो में बहुत कुछ कहा गया था। लिहाजा बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर गलत एक्शन ले लिया है, शिक्षिका को निलंबित नहीं करना चाहिए था, उसे बहाल किया जाए और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि 12 जिले के लकड़ाई प्राथमिक विद्यालय में 26 जनवरी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह और महिलाओं में शिक्षा की ज्योत जलाने वाले सावित्रीबाई फूले की तस्वीर लगाकर बच्चों का ज्ञानवर्धन किया जा रहा था। वहां पर गांव के कुछ लोग पहुंचे थे, उन्होंने सरस्वती की प्रतिमा नहीं लगाने की बात पर विरोध जताया था, लेकिन शिक्षिका ने जो कुछ कहा तो वो वीडियो में आप सभी ने देखा ही होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वहां पर जो लोग थे उन्होंने महापुरुषों की तस्वीर का विरोध किया, शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार किया और उस वीडियो को वायरल किया। उसके बाद में शिकायत हुई। भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने असंवैधानिक तरीके से जनसभा में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कई दिन बाद शिक्षिका को निलंबित कर दिया। ये सरासर गलत है। दलित महिला शिक्षिका का अपमान करने वाले मंत्री को बर्खास्त करने की मांग बहुजन समाज पार्टी कर रही है और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। 26 जनवरी के दिन वो गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर स्टेज के ऊपर उन्होंने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई थी, तो गांव के कुछ असामाजिक तत्व आए और उनको मजबूर किया कि भाई आप ये तस्वीर हटाओ, और वो तस्वीर उनसे हटवाई गई। और इसी के विरोध में जो अभी वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जाति द्वेषता रखते हुए हेमलता बेरवा को वहाँ से उन्होंने निलंबित कर दिया है और उनकी ड्यूटी बीकानेर लगा दी है। तो ये इस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है और दलितों के लोगों के साथ ये उत्पीड़न करने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी इसका पूरे जोर से विरोध करती है और मांग करती है कि जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, इसको तुरंत प्रभाव से राज्यपाल महोदय बर्खास्त करें और जो हमारी हेमलता बेरवा जो हमारी समाज की बहन है उसको तुरंत वापस बहाल करें। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to second standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Malatala sthit Sajjanagar A block mein ek vyakti ne sarkari zameen par char diwari kar kabza kar liya hai, jisko lekar budhwar ko kshetravasiyon ne collector ko gyapan saupte hue avaidh kabze ko तुरंत प्रभाव से ध्वस्त कर सरकारी जमीन को मुक्त कराने की मांग उठाई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ए ब्लॉक में रहने वाले गुलाम मुस्तफा ने अपने घर के पास सरकारी जमीन पर कब्जा किया, कई बार शिकायतें की, लेकिन यूडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत से उसके हौसले इतने बुलंद है कि वो लगातार कब्जा कर रहा है और लोगों को धमकियां दे रहा है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमी गुलाम मुस्तफा ने अपने घर के पास सरकारी जमीन पर चार दीवारी कर ली, जबकि इस जमीन पर पहले से ही पास बने सरकारी क्वार्टर है जिनकी यहाँ पर टैंक बना हुआ है, इसको मुस्तफा ने अपने कब्जे में कर लिया। इस संदर्भ में पूर्व में भी यूडीए के कार्मिकों को इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में विभाग पर भी मिलीभगत के आरोप लगे हैं। लिहाजा क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर के यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपते हुए अतिक्रमी के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराने की मांग की है। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि अतिक्रमी द्वारा क्षेत्र के लोगों को डराया धमकाया जाता है और ये कहा जाता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने अपनी दीवार तोड़ते हुए उस पूरी सरकारी गली पर अतिक्रमण कर लिया, पूरी सरकारी गली बंद कर दी जो कि लगभग 1,600 फीट की है। उसके लिए सभी क्षेत्रवासी वहाँ पर यूडीए में गए, उद्योग विकास प्राधिकरण में, और वहाँ पर शिकायत की। लगभग 2 महीने से वहाँ पर रेगुलर हम क्षेत्रवासी चक्कर काट रहे हैं और यूडीए की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई वहाँ पर नहीं की गई। जबकि मौके पर सभी अधिकारी आए, उन्होंने देखा गली बिल्कुल सरकारी है, गली के अंदर पानी निकास का स्थान है, गली के नीचे डब्ल्यूसी है, गली के नीचे सारे क्वार्टर्स के मेन होल हैं, फिर भी यूआईटी ने
अपनी पूरी संलिप्तता बताते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई वहां पर नहीं की। वो घर पे जाके कुछ महिलाओं को लेके गया, सबके एक एक घर पे जाके धमका क्या है, क्या क्या है कि अगर मेरी गली के कुछ भी हुआ, अगर मेरा अतिक्रमण कुछ भी टूटा तो मैं किसी का एक का मकान नहीं रहने दूंगा यहाँ पे। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद कैमरे पर नहीं करनी चाहिए। बस हमारा प्रशासन से यही निवेदन था, सरकारी यूआईटी क्या कर रही थी जब दो महीने से क्षेत्रवासी दौड़ रहे हैं और 2 महीने तक अगर यूआईटी जाके अपनी खुद की सरकारी गली छोड़ा नहीं पा रही है और यूडी होने का दम भर रही है यहाँ पे कि हम यूडी हो जाएंगे, प्राधिकरण हो जाएंगे प्रन्यास से, तो ये खाली थोती बातें हैं। केवल और केवल सारा मामला संलिप्तता का है, अधिकारी संलिप्त हैं, जो भी अधिकारी संलिप्त हैं इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उचित पूरा काम किया जाए। श्री जी एक्सोटिका और रूप मधुबन प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद अरिहंत ग्रुप लेकर आए हैं अपना नया प्रोजेक्ट श्री जी एक्सोटिका फेस 2। मॉडर्न एमिनिटीज वाले आलिशान घर उदयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पर, सेलिब्रेशन मॉल के पीछे, जहां मिलेगी कई मॉडर्न एमिनिटीज जैसे गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल और योगा रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं। लग्जूरियस 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स की बुकिंग के लिए संपर्क करें श्री जी डेवलपर्स, शोभागपुरा सर्किल के पास, उदयपुर। कोटा में पिछले 35 सालों से कोचिंग के क्षेत्र में सेवाएं देने वाले प्रतिष्ठित संस्थान एलन कोचिंग ने उदयपुर में भी कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर दी है। 35 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत एलन कैरियर इंस्टीट्यूट इस समय 22 राज्यों के 60 शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है, लिहाजा अब उदयपुर में भी एलन कोचिंग पर कई स्टूडेंट कोचिंग कर सकेंगे। उदयपुर संभाग के मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए बेहतर मार्गदर्शन के लिए कोटा के प्रतिष्ठित संस्थान एलन कोचिंग ने उदयपुर में अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। बुधवार को जेई मेंस की कोचिंग क्लासेस की शुरुआत हो गई। पिछले 35 सालों में 18 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर कब्जा जमाने वाले एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के सेंटर हेड शांतनु विजयवर्गीय ने बताया कि सालों से स्थापित इस परंपरा की उदयपुर में शुरुआत करते हुए पूरी टीम उत्साहित है। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 के परीक्षा परिणाम में उदयपुर संभाग के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर नया इतिहास रचा जाएगा। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आज 12th क्लास का एंथुजियास्ट बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर IIT JEE एंड प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस। अभी एलन उदयपुर कुछ ही दिनों बाद 27 से लेकर 31 तक एक एक्साइटमेंट वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर 8th, 9th, 10th क्लास स्टूडेंट्स। इस वर्कशॉप को वो लोग फ्रीली अटेंड कर सकते हैं जो कि ASET में रजिस्टर हो चुके हैं या फिर ASET में रजिस्टर करने वाले हैं। इसके अलावा 8th, 9th, 10th यानी कि PNCF बैचेस 6th to 10th वो भी 4th of April से स्टार्ट होने वाले हैं। 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो नर्चर बैचेस हैं वो भी 4th of April से स्टार्ट होने वाले हैं। एलन उदयपुर के PNCF हेड लोकेंद्र सिंह ने बताया कि 27 मार्च से 31 मार्च के बीच कक्षा 8, 9 और 10 के छात्र छात्राओं के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया जा रहा है। जो स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे स्टूडेंट इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। सो एलन कोटा अब अपने 35 साल की लेगेसी के साथ उदयपुर शहर में आ चुका है। क्लास 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 27 से 31 मार्च के बीच एक असाइनमेंट वर्कशॉप हम प्लान कर रहे हैं। ऐसे सभी बच्चे जो ASET में अपीयर कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर एलन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल्ड हो चुके हैं वो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0% down payment, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी सेक्टर 5 मेन रोड उदयपुर। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा के रास्ते राहुल गांधी की यात्रा, वागड़ में करेगी प्रवेश, कांग्रेस लगा रही है ताकत, मालविया के भाजपा में जाने से बिगड़े हुए हैं समीकरण, आला नेताओं ने डाला डेरा। गांजा मांगने पर मना किया तो मादड़ी में चाकू से गोद डाला युवक को, हत्यारों की तलाश में जुटी प्रतापनगर पुलिस। सेवाश्रम इलाके में एसी कंडीशन वक्स में फिर हुई चोरी की वारदात, पुलिस पर आरोप, रिपोर्ट लेने में कर रही टालम टोल, पहले भी हो चुकी है वारदातें, SP को की शिकायत। और सुखेर इलाके में बाइक चोरी करने वाला पुलिस गिरफ्त में, 6 चोरी की बाइक जब्त, आरोपी से पूछताछ जारी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लाल्स बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 90+ सन के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। आवाज हम सबकी।